Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. कांवड़ियों को सम्मान व सुविधा देने के लिए जहां उत्तराखंड व यूपी सरकार कटिबद्ध है, ऐसे में मेरठ पुलिस प्रशासन सेवा शिविर उखाड़ रहा है। कांवड़ियों को मिलने वाली सुविधा में बाधा बन रहा है। ऐसा योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश मेरठ पुलिस प्रशासन कर रहा है। इस आशय का आरोप पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा यतीन्द्रानंद गिरी ने लगाते हुए संपूर्ण व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। यतीन्द्रानंद गिरी महाराज आज निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला द्वारा शिवाया टोल प्लाजा पर आयोजित कांवड़ सेवा शिविर के उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से वार्ता कर रहे थे। इस मौके पर महामंडलेश्वर महाराज ने यह कहा। श्रावण का पवित्र मास सनातन हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है श्रावण का, और श्रावण मास में पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबी हिंदू घर घर पूजा होती है भगवान शिव की। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं, मंगल के देवता हैं, और भगवान सदाशिव सर्वग्राह्य देवता हैं, जिनकी मनुष्य भी आराधना करता है, राक्षस भी करते हैं, देवता भी जिनकी आराधना करते हैं, जो सभी का उद्धार और सभी का कल्याण करने वाले हैं। ये जो कांवड़ मेला चल रहा है, ये कांवड़ मेला साक्षात सनातन हिंदू धर्म में श्रद्धा भक्ति विश्वास की कितनी बड़ी ताकत होती है कि दो ढाई ढाई कुंटल की कांवड़ उठाकर और नौजवान जा रहा है, ये मनुष्य का बल नहीं हो सकता। ये भगवान शिव की प्रकट शक्ति का ही फल है। कुंटलों कुंटलों की कांवड़ जल लेकर लोग जा रहे हैं, 500-500, 600-600 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं। ये अगाध श्रद्धा, और ये केवल भारत में है, विश्व में कहीं नहीं है। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ियों के पैर धोकर कांवड़ियों का सम्मान किया है, फूल बरसाए हैं। उत्तर प्रदेश के और जो बड़े ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, वो कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। लेकिन बड़ी दुखद की बात है कि मैं मेरठ आया हुआ हूँ, मेरठ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ के DM है, यहाँ का SP है, एडिशनल SP है, वो कांवड़ के शिविर लोगों को नहीं लगाने दे रहा है। कहीं ना कहीं योगी सरकार बदनाम हो, मेरठ प्रशासन योगी सरकार की जड़ें खोदने का काम कर रहा है। योगी जी के जो निर्देश हैं, धड़ल्ले से उनका उल्लंघन कर रहा है। कांवड़िया बेचारा कहीं बारिश में बैठ सके, कहीं उसको भंडारे में भोजन मिल सके, कहीं विश्राम कर सके, कहीं ज़रूरतमंद की चीज़ें कोई छोटी मोटी दुकान लगाकर दे सके, मेरठ का प्रशासन लगने नहीं दे रहा है। मेरी यहाँ के विधायक जी से बात हुई, वो स्वयं बोले कि हमने कई जगह जाकर अपने हाथ से शिविर लगाए, प्रशासन उखड़वा दे रहा है। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। ये आवाज़ योगी जी तक जानी चाहिए कि मेरठ का पुलिस प्रशासन दोनों कहीं ना कहीं योगी जी की जो अगाध श्रद्धा है और योगी जी ने जो निर्देश दिए हैं उल्लंघन कर रहे हैं, और कांवड़ियों को और शिविर लगाने वालों को, शिविर जो लोग लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं भक्तों की सेवा के लिए, उनको जितना परेशान कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। रातों रात उनके टेंट उखाड़ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दे रहे। इस पूरे मेरठ में कई जगह से मुझे शिकायत मिली है, प्रशासन का काम होना चाहिए। मार्ग में लाइट नहीं है, मार्ग में कांवड़िया जब पता है हर साल आते हैं तो कहीं शौचालय की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, स्वच्छता की विषय व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। केवल जो शिविर लगा सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, उनको भी फाड़ने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है। ये बड़ा दुखद है। मैं बाकी जिलों में भी गया हूँ, प्रशासन कहीं ना कहीं कांवड़ियों की सेवा में लगा है, लेकिन मेरठ में मुझे महान आश्चर्य हुआ कि मेरठ का प्रशासन
आखिर किसके निर्देश पे काम कर रहा है। योगी जी को इस पर जरूर संज्ञान में लेना चाहिए, इन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और देवाधिदेव महादेव का श्राप भी ऐसे अधिकारियों पर लगना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।